भला है कि उसकी शफकत अवधि है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अवधि है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अवधि है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया कि उसकी शफकत अवधि है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफकत अवधि है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए कि उसकी शफकत, जिनको हुकूमत करने के लिए आपता कि उसकी शफकत अवधि, रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे कि उसकी शफकत अवधि है। उसी का जिसने मिस्र के मिलौट को कमारा कि उसकी शफकत अवधि है, और इसराइल को उनमें से निकाल लाया क्योंकि उसकी शफकत अवधि है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से कि उसकी शफकत अवधि है। उसी का जिसने बहरे कुलजम को दो हिस्से कर दिया कि उसकी शफकत अवधि है, और इसराइल को उसमें से पार किया कि उसकी शफकत अवधि है। लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलजम में डाल दिया कि उसकी शफकत अवधि है। उसी का जो बेअबान में अपने लोगों का रखना हो कि उसकी शफकत अवधि है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा कि उसकी शफकत अवधि है, और नामवर बादशाहों को तब कत्ल किया कि उसकी शफकत अवधि है। अमूरियों के बादशाह सेयून को कि उसकी शफकत अवधि है, और बसन के बादशाह औच को कि उसकी शफकत अवधि है, और उनकी जमीन मेराज कर दी कि उसकी शफकत अवधि है, यानी अपने बंदा इसराइल के मेराज कि उसकी शफकत अवधि है, कि उसकी शफकत अवधि है, और हमारे मुबारकों से हमको छुड़ाया कि उसकी शफकत अवधि है, जो सब बशर को रोजी देता है कि उसकी शफकत अवधि है, कि उसकी शफकत अवधि है। मोहब्बतों के बानी जिंदा खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे सारे प्यार के लिए खुदावंद, जो तूने इस जहान से किया और ख़ास तौर पे हमसे जो तेरे चुने हुए लोग कहलाए खुदावंद। तेरा शुक्र खुदावंद आज के इस अच्छे मौके के लिए जब हम तेरे हजूर झुके हुए हैं, क्योंकि हम तेरी हजूरी यहाँ मांग लेते हैं खुदावंद। तेरा बेटा जो तेरे पाक रूह के मसा से भर कर यहाँ आया है, आज जब वो यहाँ हम जो सना और तेरी परस्तिश का आगाज़ करें तो खुदावंद तेरा तख्त यहाँ लग जाए, और खुदावंद लोग रूह में छुए जाएँ, और खुदावंद तेरे तुझसे आज कोई भी रूह यहाँ से खाली ना जाए, बल्कि कुछ ना कुछ तुझसे लेके जाए। हमें भर दे आज खुदावंद, ताकि हम तुझे यहाँ से लेके जाए, और इस सारे वक्त में तो खुदावंद हमें हर गीत के दौरान खुदावंद अपने पाक रूह की हजूरी का एहसास दिलाना, हमारे जिस्म खुदावंद महसूस करेंगे खुदावंद तेरी ये हजूरी यहाँ है और तू यहाँ उतरा हुआ है। बहुत से लोग शिफा पाएँ, और ख़ासतौर पर आज खुदावंद जिंदगियाँ बच जाएँ, और लोग सचमुच तेरे पास आके और खुदावंद रूहानी तौर पर शिफा पाएँ, और तेरे बेटे बेटियाँ बन जाएँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।